नमस्कार दोस्तों, सभी राजस्थान वासियों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। दोस्तों आप सभी को पता है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 10 मई से और 24 मई तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसका आप सभी ने अच्छे से पालन किया है, लेकिन अब ये समय सीमा खत्म हो रही है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अब 24 मई से कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी, आपको कितनी छूट मिलने वाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अभी अभी एक और बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें 24 मई से 15 दिन के लिए लॉकडाउन और भी आगे बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जानकारी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ और स्थिति स्पष्ट कर दूँ कि अभी गृह मंत्रालय के द्वारा नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसमें यह बात निश्चित होगी कि 24 मई से स्पेशल ये दुकानें खुलेंगी और इनमें इतनी छूट दी जाएगी। विशेषज्ञों के द्वारा सिर्फ इसमें अनुमान लगाया गया है कि 24 मई के बाद में आपको ये छूट मिलना संभव है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नरेगा के कार्य रुके हुए थे उनमें आपको छूट मिलने वाली है, कि जो क्योंकि रोजी रोटी का जो संकट है वो खड़ा हो गया था ग्रामीण इलाकों में, तो जो नरेगा से संबंधित कार्य हैं दोबारा से चालू हो जाएंगे। इसी के साथ में अब खरीफ की फसल बोने वाली है, क्योंकि बुआई होने वाली है, क्योंकि अब मानसून आने वाले हैं, तो यहाँ पर किसानों के लिए इसमें ये खुशखबरी रहेगी कि जो भी एग्रीकल्चर से संबंधित इनपुट उपकरणों से जुड़ी दुकानें हैं उनका समय बढ़ाया जाएगा और इसमें आपको छूट दी जाएगी। क्योंकि किसान खरीफ की बुवाई की तैयारियों के लिए खेतों को तैयार कर रहे हैं, ऐसे में खाद है, बीज और कृषि उपकरणों और उनसे मेंटेनेंस से जुड़ी दो भी दुकानें हैं उनको खोलना सरकार के द्वारा जरूरी हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नई गाइडलाइन आने वाली है उसमें खाद सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इन दुकानों को अभी पाँच दिन सुबह 6 से और 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति सरकार के द्वारा दी थी, क्योंकि ये सख्त लॉकडाउन का नियम था। अब दोस्तों इसे शाम 6 बजे तक ही किया जा सकता है, यानी कि जो आप 6 बजे से और 11 बजे तक दुकान खुल रही थी खाद पदार्थों से संबंधित, अब दोस्तों वो शाम 6 बजे तक उनको यहाँ पर किया जा सकता है। दोस्तों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था और इसमें यह बात बताई गई थी कि 24 मई से और 15 दिन और आगे बढ़ाने का लॉकडाउन से संबंधित जो निर्णय लिया गया है और मंत्रिपरिषद के द्वारा ये सुझाव दिया गया है, इसी प्रकार से नई गाइडलाइन भी आएगी उसमें ही ये स्पष्ट हो सकेगा। दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतनी ही जानकारी है और यहाँ पर अब जैसे भी जो भी जानकारी आएगी 24 मई के बाद से संबंधित आपको क्या छूट मिलेगी, दोस्तों मैं आपको हर पल यहाँ पर अपडेट करवाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है राजस्थान में 24 मई के बाद सख्त लॉकडाउन खत्म हो गया है।